हेलो दोस्तों, तो आज हम फाइनली जाने वाले हैं क्लॉन्ट कैसल, लेकिन उससे पहले आपके लिए मेरे पास है एक सरप्राइज। क्रिम्सन का हम करेंगे लेवल अप, लेकिन शार्ड्स नहीं है तो जल्दी से शार्ड्स खरीद लेते हैं। वेट, शार्ड्स हमें नहीं खरीदने हैं दोस्तों। स्टोर से शार्ड्स खरीदना मतलब आपके गोल्ड्स को वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा हम खरीदेंगे लेवल अप स्नैक। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, लेवल ऑफ स्नैक इज ऑलवेज द बेटर चॉइस। तो मेरे पास अराउंड 1000 कॉइन्स है, जिससे कि मैं 5 लेवल ऑफ स्नैक खरीद सकता हूँ। और ये 1000 कॉइन्स कलेक्ट करने में मुझे बहुत सारे ऑनलाइन बैटल्स करने पड़े। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मेरे पास 5 लेवल ऑफ स्नैक्स हैं, और इसे हम यूज करेंगे किसके ऊपर? ऑब्वियसली क्रिम्सन दोस्तों, डा। तो चलो, और मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से लेवल अप करते हैं। इसका अटैक देखो दोस्तों, काफी हाई है, लेकिन ये तो बस अटैक बढ़ ही जा रहा है, मैक्स करके छोड़ेगा शायद। अटैक देख रहे हो दोस्तों, ऑलमोस्ट मैक्स ही है। और इस बार अटैक, डिफेंस और एमिंग भी थोड़ा बढ़ा, मतलब मैक्स ही कर दिया अटैक को। दोस्तों, आई प्रेजेंट टू यू क्रिम्सन लेवल 30। असल में दोस्तों, मैं सोच रहा था कि लेवल 30 के क्रिम्सन लाने से मुझे क्लॉर्स कैसल में भी लेवल 30 के आसपास डायनामोस देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे वैसे। मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो, लेकिन क्योंकि क्लॉस कैसल पता है ना, लेवल 30 के अपडेट के पहले से ही था, तो इसका भी हाईएस्ट लेवल विंटर डेल की तरह लेवल 20 होगा शायद। ये देखो, इसका हाईएस्ट लेवल इसका वाइल्ड डायनामोंस में लेवल 16 है। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा, अगर ज़्यादा लेवल का होता तो अच्छा होता। और ये गार्ड्स कितने लेवल की यूज़ कर रहे हैं वो भी देखो ज़रा। हाँ, ये भी लेवल 16, मतलब लेवल 20 के नीचे ही यूज़ कर रहे हैं डायनामोंस। वैसे ये कैसल क्लाउड से क्यों ढका है, आई डोंट नो। तो चलो क्लाउड से ही पूछ लेते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, यू हैव गॉटन इन माई वे टू मैनी टाइम्स, इट्स टाइम टू डील विथ यू वंस एंड फॉर ऑल। हाँ, यही तो बोल के बार बार भागे तो जाते हो। अरे अरे अरे, देखो दोस्तों देखो, क्लॉट खुद आ गया लड़ाई करने। हाँ, लेकिन लेवल 16 डायनामोन से क्लॉट मुझे कैसे हराएगा? शैडोल के अगेंस्ट हम यूज करेंगे हमारा ग्लिक्सी, क्योंकि वाटर टाइप एडवांटेज। और फ्रोजन मिस यूज करके उसका अटैक हम और कम कर देंगे। एच पी उसका ऐसे ऑलरेडी हाफ हो चुका है दोस्तों, है। लेकिन बेचारा करेगा ही क्या, एक तो 4 लेवल का डिफरेंस, उसके ऊपर टाइप डिसएडवांटेज। और शैडल ने कर दिया टाटा बाय बाय, लेकिन ग्लिक्स का एच पी अभी भी हाफ ही नहीं हुआ। और हम यूज करेंगे एवलांच, जो कि पावरफुल वाटर टाइप है। डैमेज देखो, और डिफेंस भी कम करता है, लेकिन उसके पास एनफ्लेम है जिससे वो हील भी कर सकता है। और एक बार फिर से एवलांच आ चुका है, तो हम फिर से एक बार भयंकर डैमेज करेंगे। ये देखो, और अब चलो यूज करते हैं कंफ्यूज। अरे सचमुच में कन्फ्यूज हो गया, हिप्नो हो गया। लेकिन इसका इनफ्लेम तो काफी काम आ रहा है वैसे। ये लो, बैकफायर करके खुद ही चल बसा। अरे इलेक्ट्रिक टाइप, अब तो हम जरूर लाएंगे क्रिम्सन फायर टाइप।
डैमेज देख रहे हैं दोस्तों। ओहो, उसने भी बदला ले लिया, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, चलो लक ट्राई करते हैं। ओह, बैकफायर कर दिया दोस्तों। चलो और एक बार ट्राई करते हैं। ओहो, और एक बार बैकफायर। चलो तीसरी बार तो नहीं होगा, इतनी भी अनलकी नहीं है हम। और ये देखो भाई, अनलकी है शायद आज हम। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हम अटैक कर सकते हैं। ये देखो, अरे को ख़त्म ही नहीं हुआ, मैंने सोचा गया। ओके, अब तो चला जाएगा। रिबोट तो काफ़ी लकी निकला वैसे, लेकिन लेवल 30 के सामने लक और कितना ही काम करेगा। हे हे, I can't believe this. How did you defeat me? अब तुम लेवल 30 के समय लेवल 16 का डायमंड लाओगे तो हरोगे ही। But it doesn't matter. While you were distracted by the battle, my elite guard stole your keys. अरे रे रे, ये कैसी बात हुई दोस्तों। ये देखो कैसा ये कैसा खेल है। ये देखो माइनस वोर चाबी, ये अकूल बता रहा है। ये कूल नहीं है भाई, ये एक अजीब सा ट्विस्ट इस गेम में आ गया। अब फाइनली आई विल बी एबल टू फ्री ज़ेनिक्स। ओह नो, यू हैव टू स्टॉप दिस क्विक। फॉलो क्लॉड टू टेंपल रुइंस बिफोर इट्स टू लेट। तो जोवानी घबराते हुए हमारे पास आ गया, ये वैसे हमारे साथ ही घूम रहा था। टेंपल रुइंस में मैं आ चुका हूँ दोस्तों, और चलिए फिर से सबक सिखाता है क्लॉड को। टेंपल रुइंस में हमें फिर से गार्ड्स को हराने होंगे, और टीम भी हमारा रेडी है। और यहाँ पर अभी भी लेवल 10 का ही डायनामोस मिल रहा है, जो कि बेकार है। ये है पहला गार्ड, और ये अभी भी लेवल 16 का डायनामोस यूज कर रहा है, तो इन्हें हार के भी सबक नहीं आया। पहला गार्ड गया, और अब फेस करते हैं दूसरे गार्ड को। किधर है, यहाँ पर ये रहा। और ये यूज कर रहा है फायर टाइप, लेकिन फिर भी लेवल 15। हाँ, डिसअपॉइंटिंग। और अब बारी है इस गार्ड की, जो कि यूज कर रहा है डार्क टाइप। और अब बस ये लास्ट आखिरी गार्ड बचा है, जो कि हमसे हारना चाहता है। तो दोस्तों, हमने सारे गार्ड्स को हरा दिया है, और अब बस क्लॉड्स ही बचा है। लेकिन टीम को थोड़ा हील करने का टाइम लगेगा। तो फाइनली टीम हो चुका है हमारा हील, और मैं सोच रहा हूँ स्पाइडर को ही लेवल अप करता हूँ शार्स, क्योंकि है ही हमारे पास, और स्पाइडर काफ़ी काम का डायनामोन है वैसे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्लॉड के पास और छीन लेते हैं उससे ज़ेनिक्स। You are too late. I will take Xenix back to my castle. Finally, I will be able to unleash the true potential of all dynamons. This is terrible. Cloud will never be able to control Xenix. If Xenix gets away, the whole world will be in danger. What can we do? All is lost. Unless what? You have proven yourself in battle time and time again. Could you be the one that can control Xenix? अरे अरे, मेरा तारीफ कर रहे हो। वैसे शानदार तो मैं हूँ ही। Because of my research in this temple, I was able to create a very special dispatch. With this dispatch, you should be able to catch Xenix. Dispatch मतलब पोकेबॉल शायद। ओहो, पोकेबॉल, स्पेशल पोकेबॉल मिला। You are our only hope. Go to Claude's castle and catch Xenix. Bechara Claude.
उसने जेनिक्स को अनलॉक तो किया लेकिन पकड़ नहीं सकता, पकड़ेंगे तो उसे हम ही। वैसे उसे स्पेशल डिस्कैच चोरी करना चाहिए था। What has happened here? कुछ नहीं हुआ, बस कैसल में से क्लाउड चले गए शायद। और डायनामोंस का लेवल अभी भी सेम ही है शायद यहाँ पर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके क्लॉर्स के कैसल में ही चलते हैं। ली, ये कौन है? एलीट गार्ड वाट्रा। ओके, मतलब वाटर टाइप। द बॉस हैज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, ही टोल्ड अस टू कीप यू आउट। ओहो, मेरे लिए स्पेशल गार्ड्स रखा है क्लॉर ने। ओहो, ये तो ग्लिप्स यूज कर रहा है, लेकिन लेवल 16। ये देखो मेरा ग्लिप्स लेवल 20 है। तो चलो देखते हैं इसका ग्लिप्स में है कितना दम। वो भी आई शील्ड यूज कर रहा है, लेकिन अब हम यूज करेंगे एवलांच और उसका डिफेंस कम कर देंगे। ओ, अब वो भी एवलांच यूज कर रहा है। कॉपी कैट, ये लो और एक एवलांच। उसने फ्रोजन मिस्ट करके अटैक हमारा थोड़ा कम कर दिया, लेकिन हमारे पास भी फ्रोजन मिस्ट है, इससे हम भी उसका अटैक कम कर देंगे। ओहो, सोनिक शॉक, ये तो कॉस्टली वाला सोनिक शॉक। और क्योंकि इसका नाम है एलीट गार्ड वाट्रा, ये शायद सब वाटर टाइप यूज करेगा। और ग्लिक्स का एज भी थोड़ा कम है, सो स्पाइडर ही यूज करते हैं। एंड आई थिंक स्पाइडर कैन हैंडल लैम्पियन। ये लो पॉइजन बाइट। अरे ये तो हमारा अटैक कम कर रहा है, रुको तुम्हारे भी अटैक थोड़ा कम कर देता हूँ। वैसे ग्लिक्सी भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है, वाटर टाइप है ना इसलिए। ओके, हम यूज़ कर सकते हैं, हम क्रिम्सन यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो चलिए इस बार क्रिम्सन ही यूज़ करते हैं, और उसके हेल्थ काफ़ी कम हो चुका है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्रिम्सन से हम ख़त्म ही कर देंगे। हाँ हाँ, ओहो उसका लास्ट डायनामोन है कोबाल्ट, लेकिन ओनली लेवल 17 दोस्तों। लेवल 20 रहता तो अच्छा होता, अब हमें शायद लेवल 17 का कोबाल्ट पकड़ने को मिलेगा। और अब हम यूज करेंगे ब्लिज़ार्ड, क्योंकि ब्लिज़ार्ड स्टिक डायनामोन्स को एक्स्ट्रा डैमेज करता है, लेकिन उतना भी एक्स्ट्रा नहीं किया। और ये तो बस थोड़ा बाइट कर जा रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक और ब्लिज़ार्ड है, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा, नेक्स्ट टर्न में यूज करेंगे ब्लिज़ार्ड। ओहो एवलांच, ओ नो, ओहो बच गए दोस्तों, थोड़ा सा एचपी लेके बच गए हम। ओहो एक्स्ट्रा डैमेज प्लस क्रिटिकल डैमेज और कोबाल्ट खत्म। और क्रिम्सन का एक्सपी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैक्स हो चुका है। लेवल 30 क्रिम्सन दोस्तों, 1000 शार्ड्स एंड 20 गोल्ड, नॉट बैड, गुड रिवॉर्ड्स। तो अब शायद नेक्स्ट बैटल, हाँ इससे शायद हमें नेक्स्ट बैटल करना होगा, तो चलिए इससे भी करते हैं। ये है एलीट गार्ड ब्लेड। आई एम ऑर्डर्ड टू स्टॉप यू, क्लॉड नोज व्हाट ही इज डूइंग। आई थिंक, मतलब इसे भी नहीं पता क्लॉड क्या कर रहा है, लास्ट में आई थिंक बोल रहा है। अरे इसे देखो, ये तो ग्रास टाइप लेके आ गया। ग्रास टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप से अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तुम घर जाओ बेटे, प्रैक्टिस करो थोड़ा। हमने करा बाइट और उसका बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, और उसने सोनिक शॉक से चुन्नू मुन्नू सा डैमेज किया हमको। और अब देखो डैमेज, हाँ हेल्पर, ओ थोड़ा सा बच गया इस भी उसका, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अटैक ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिक्स हिल चला गया। सेकेंड डायनामोन भी है इसका ग्रास टाइप। ओ देखो दोस्तों डैमेज देखो, ओ इसके वो डिफेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, हेल्थ फेस से ख़त्म करते हैं। नहीं, फिर से बच गया, लकी है शायद।
ओहो डिफेंस तो काफी बढ़ा दिया इसने वैसे। ये लो कितने डिफेंस बढ़ाओगे। ओहो लास्ट डायनामोन मेलाकाइट दोस्तों, अब ना मजा आएगा थोड़ा। ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन। पॉइजन का जवाब पॉइजन से। हरिकेन ने थोड़ा ज्यादा ही डैमेज दे दिया। वैसे मैं इसे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हराना चाहता था, तरपा तरपा कर, लेकिन कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय कर दो मेलाकाइट को। ये बैटल तो हम बहुत इजीली जीत गए दोस्तों, मतलब ग्रास टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप कहाँ टिक पाएगा लेवल 30 क्रिम्सन के सामने। और चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला शायद ये है, ये कौन सा यूज़ करेगा, डार्क टाइप या फायर टाइप यूज़ करेगा, दोनों में से एक ही तो बचा है। एलीट गार्ड पायरो, मतलब फायर टाइप, और इसके बाद भी फायर है। आई वॉन्ट लेट यू थ्रू सैनिक्स क्लॉट। क्या बगर बगर कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। What is happening? Oh, इसे भी समझ नहीं आ रहा है। और इसका फर्स्ट डायनामोन है रेक्सारू, तो हम डार्क टाइप स्पाइडेड यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो क्रिम्सन यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फायर टाइप तो है वैसे ही। पहला अटैक ही मिस कर देता है। चलो स्पाइडेड यूज करता है क्योंकि स्पाइडेड को हमने ज्यादा यूज नहीं किया। बेचारा दुखी हो रहा होगा, दुखी नहीं बोर हो रहा होगा। और रेक्सारू ने स्क्रैच करा। स्क्रैच से क्या होगा रेक्सारू, स्क्रैच से कुछ नहीं होगा, इसलिए रेक्सारू इज नॉट वन ऑफ द गुड डायनामोन्स इन दिस गेम। ये देखो और एक बार मिस कर दिया, और अब हम सख्त लाइफ करके खत्म ही कर देते हैं बात को। तो रेक्सारू तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये फ्लेरियन बहुत ही अच्छा डायनामोन है वैसे। वो हो इनरेज। अच्छा हुआ हमारे पास पॉइजन बाइट है, तो करते हैं पॉइजन बाइट और इसका रेज को थोड़ा कम कर देते हैं। और स्पाइडेड का हेल्थ थोड़ा कम हो चुका है वैसे, लेकिन क्या करूँ उसका लाइफ ही नहीं आ रहा है। ओहो क्विक अटैक ने काफ़ी डैमेज किया, लेकिन ओ मिस कर दिया, लेकिन हमें सक लाइफ चाहिए, सक लाइफ। स्पाइडेड स्पाइडेड भी मिस किया। हाँ ये मैंने काफ़ी बार देखा है दोस्तों कि अगर एक डायनामोन मिस करता है तो दूसरे डायनामोन के चांसेस बहुत ही है मिस करने का। तो आप वैसे वक्त में फोकस क्या बोलते हैं, फोकस बेरी यूज कर सकते हो। तो इसका फाइनल डायनामोन है क्रिम्सन, और हम भी लाएंगे हमारा क्रिम्सन। तो अब होगा क्रिम्सन वर्सेस क्रिम्सन। हाँ हालांकि लेवल का डिफरेंस है थोड़ा है। बेचारा क्रिम्सन ओपोनेंट का 3 अटैक में ही खत्म हो गया। थाउजेंड शार्ड्स एंड 40 गोल्ड, दैट्स कूल। तो एक बार फिर से फाइनली अब बारी आ चुका है क्लॉड के पास जाने का, लेकिन एच पी थोड़ा कम है हमारे डायनामोन्स के, तो इसे वेट कर लेते हैं फिर से। तो दोस्तों हमारा टीम फाइनली हील हो चुका है और हम अब जा सकते हैं क्लॉड के पास। तो चलो जल्दी से जाते हैं क्लॉड के पास और उसका ड्रामा खत्म करता है ये। आई वॉज रॉन्ग टू समन सिनिक्स। अरे ये बैड गए से गुड गए कब हो गया। ही इज टू स्ट्रांग टू कंट्रोल। हाँ हाँ तुम्हारे पास वो स्पेशल पोकेबॉल नहीं है ना। यू आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। यू वर ऑलवेज द बेस्ट डायनामोन कैप्टन। प्लीज हेल्प मी, प्लीज डिफीट सेनिक्स। हाँ हाँ सिर्फ हराऊंगा नहीं पकड़ूंगा भी। अरे वो किधर चला गया, वो गायब ही हो गया। क्लॉड ओके तो चलो चलते हैं सेनिक्स के पास, देखते हैं क्या होता है। ओहो लेवल 20 का जेनिक्स, तो शायद हमें लेवल 20 का जेनिक्स पकड़ने को मिलेगा। लेवल 30 का मिलता जेनिक्स तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं लेवल 20 भी उतना ख़राब नहीं है। अपडेट की पहले से सोचे तो ये हमें एक तरफ से मैक्स लेवल जेनिक्स मिल रहा है वैसे। चलो ग्लिप्सी यूज़ करते हैं। ग्लिप्सी वाटर टाइप है, ज़्यादा डैमेज देगा जल्दी से,
और ग्लिक्सी दोस्तों क्लॉट्स कैसे मतलब काफ़ी काम आया मेरा, मतलब इस फाइनल मैप के लिए। और टेम्पल ब्रिथ में तो ग्लिक्सी मेरे काफ़ी काम आया क्योंकि वहाँ पर सभी डार्क टाइप यूज़ कर रहे थे या फायर टाइप यूज़ कर रहे थे। तो ग्लिक्सी मैं कहूँगा आपको पहले पहले पकड़ लेना चाहिए जल्दी से। हेल्थ अभी भी थोड़ा कम करा जा सकता है आई थिंक विजर्ड से, वो हो एक्स्ट्रा डैमेज लेकिन हाँ थोड़ा सा है, लेकिन ये मर नहीं जाएगा। ओ सीख है तो अब क्या होगा, वो नहीं मरा नहीं मरा, हाँ ये मरने नहीं देगा शायद। नाउ इज़ योर चांस यूज़ द न्यू डिस्कैच टू कैप्चर ज़ेनिक्स। ओ नया पोकेबॉल यूज़ करना बोल रहा है, ओके ओ दूसरा टच कोई काम ही नहीं कर रहा है, वही पर टच करना होगा ओके। तो ये हमें ऑटोमेटिकली करना ही होगा, मतलब हमें ज़ेनिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो पकड़ लेते हैं ज़ेनिक्स को, और फाइनली हमने दोस्तों ज़ेनिक्स पकड़ लिया लेवल 20। ओ वाओ इट इज ओवर, यू डिड इट, ज़ेनिक्स हैज बीन स्टॉप्ड। हाँ हाँ लेकिन मैं छोड़ भी सकता हूँ अब। इट्स डन, यू सेव्ड अस ऑल। अनफॉर्चुनेटली क्लॉड डिसअपीयर्ड बिफोर द एंड ऑफ योर बैटल। हाँ उससे मुझे क्या, वो भाग जाए डरपोक कहीं का। द लास्ट थिंग ही सेड वाज दैट ही फेल्ड। आई डोंट नो व्हाट दिस कुड मीन। ओके फेल्ड हो गया ना पकड़ने में, और ये गेम से मैसेज आ रहा है शायद, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कैचिंग ज़ेनिक्स एंड सेविंग द वर्ल्ड फ्रॉम ज़ेनिक्स डिस्ट्रक्शन। अननोन मैसेज आ रहा है दोस्तों, ये क्या है, दिस इज़न्ट ओवर, वी हैव मच मोर टू डू। ओके अननोन ये कौन है, शायद गेम डेवलपर्स हैं बोल रहे हैं और मैप खोलेंगे, जो कि उन्होंने बाद में खोला भी वैसे। ओके तो दोस्तों हमने फाइनली ज़ेनिक्स को पकड़ लिया, चलो एक बार ज़ेनिक्स देख लेते हैं पहले। वाओ ये देखो दोस्तों सारे अटैक पावरफुल अटैक्स, एक भी बेकार अटैक्स नहीं है। और अब देखते हैं, हाँ टॉल पाइंस और मायन टेम्पल भी खुल चुका है, और तो हम नेक्स्ट पाल में जाएंगे। इट सीम्स दैट मोर डायनामोन्स सीम टू हैव अपीयर्ड ऑन द मैप, गो एंड कैच देम। हाँ वो तो हम करेंगे ही, और ये कौन है, प्रैमेथिस्ट, हाँ नया डायनामोन है। तो नेक्स्ट पाल में हम शायद इन दोनों में से एक में जाएंगे, और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। ओ वेट 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 दोस्तों मैं तो भूल ही गया था, हमने तो यहाँ पर पकड़ा ही नहीं वो मेलाकाइज और कोबाल्ट, तो जल्दी से पकड़ लेते दोस्तों। मैं भूल ही गया था और एपिसोड को मैं ख़त्म करने वाला था अभी। ओके तो दोस्तों मैंने 10 मिनट से मैं मेलाकाइट को ढूंढ रहा हूँ, और मुझे मिला 3-4 बार मेलाकाइट मिला, जो कि आपको कैसल के अपर सेक्शन में मिल ही जाएगा मेलाकाइट। और ये जो मिला मुझे मेलाकाइट वो सभी लेवल 15 या 16 ही थे, मतलब आपको शायद लेवल 16 से ज़्यादा लेवल का मेलाकाइट नहीं मिलेगा। तो मैं फाइनली सोच रहा हूँ कि मैं ये लेवल 16 के मेलाकाइट ही पकड़ लूँ। वैसे बाय द वे दोस्तों उस ओपोनेंट के पास लेवल 18 का मेलाकाइट था वैसे, सो अगर हमें लेवल 18 का भी मेलाकाइट मिलता तो अच्छा रहता। वैसे अब हम पोकेबॉल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ अभी भी इसका थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्रिम्सन तो यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा डैमेज दे देगा। तो ग्लिक्सी यूज़ करते हैं, हाँ ये डिफेंस आइस शील्ड यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट वाले टर्न में सीखी उसका एच पी थोड़ा कम कर देगा। हाँ अब इसका एच पी परफेक्ट है पोकेबॉल यूज करने के, तो चलो यूज करते हैं पोकेबॉल। और आजा आजा नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 2 चांस रहने चाहिए। वो एक्स्ट्रा डैमेज कर रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से यूज करते हैं पोके बॉल। इस बार ओहो मुझे लगा था इस बार हो जाएगा, अब अगर ये सीख से ही ना मर जाए। ओके तीसरी बार यूज करते हैं, तीसरी बार हो जाना चाहिए, 2 पोकेबॉल वेस्ट कर दिया। अरे नहीं ये क्या हो रहा है, ओके ओहो हो गुड 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 ब्रो गुड, मैंने सोचा वो 6 से ही मर जाएगा, लेकिन अब हमारे पास चांसेस है बहुत।
चलो इस बार यूज करते हैं, क्रिम्सन को दिखा कर इस बार यूज करेंगे ताकि डर के वो आ जाए। ओ काम कर गया दोस्तों, वाह। तो हमने पकड़ लिया मैलाकाइट दोस्तों। तो ये रहा मैलाकाइट दोस्तों, और आप देख ही सकते हो सारे अटैक्स काफी पावरफुल एंड यूजफुल है, कोई भी बेकार अटैक नहीं है। तो चलो अब पकड़ते हैं वो क्या नाम था उसका, वाटर ड्रैगन, कोबाल्ट, कोबाल्ट को पकड़ते हैं। और ये भी लेवल 15 ही है, लेवल 16 ही मिल रहा, ले भी करता हूँ। ओ हो हो, मिल गया मिल गया मिल गया दोस्तों लेवल 16 का कोबाल्ट। तो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से कोबाल्ट को ढूंढ रहा था, मतलब पहले 10 मिनट में तो मुझे एक भी कोबाल्ट नहीं दिखा, पर 10 मिनट के बाद मुझे फर्स्ट कोबाल्ट दिखा लेवल 15 का, लेकिन मुझे लेवल 15 का नहीं पकड़ना था। और सेकेंड कोबाल्ट मुझे लेवल 16 का दिखा, लेकिन मुझे और ज़्यादा लेवल चाहिए था, इसलिए मैंने उसे भी नहीं पकड़ा और मैं ढूंढते रह गया। और काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद मुझे लेवल 16 से ज़्यादा लेवल का कोबाल्ट नहीं मिला। सो फाइनली ये लेवल 16 का कोबाल्ट मुझे एक और बार मिल चुका है और इसे मैं पकड़ूंगा। और हाँ, कोबाल्ट आपको कैसल के लोअर एंड में, मतलब लोअर सेक्शन में, दो सेक्शन है आप देखेंगे जगह जरा कैसल को, तो कैसल के लोअर सेक्शन में आपको कोबाल्ट मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आप तो शायद जानते ही होंगे कि कोबाल्ट का इवोल्यूशन भी आ गया है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जल्दी से कोबाल्ट को लेवल अप करने को, और इवॉल्व करेंगे दिन हैं। और अब यूज़ करते हैं सकलाइट डैमेज। हाँ ठीक ही है डैमेज ठीक ही है, और एक भी सही लग रहा है, थोड़ा और कम हो जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ बस परफेक्ट है, अब कम मत होना। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं और हम बार बार यूज़ करके पकड़ लेंगे, मतलब ये भाग तो नहीं जाएगा एटलीस्ट। अब यूज़ करते हैं डिस्कैच या पोकेबॉल, मुझे तो वैसे पोकेबॉल बोलना ही अच्छा लगता है, डिस्कैच कौन बोलता है। ओ वाह, ये तो अच्छे बच्चे की तरह एक बार ही आ गया, मैलाकाइट की तरह बदमाशी नहीं किया। तो दोस्तों हमने फाइनली पकड़ लिया कोबाल्ट को, आप देख सकते हैं लेवल 28 पर इवॉल्व हो सकता है, और इसका भी अटैक देख सकते हैं काफ़ी सारे यूजफुल अटैक, नो बेकार अटैक है ही नहीं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों कोबाल्ट वाटर टाइप में। और मैलाकाइट मैंने पहले ही दिखाया था। तो हमारे पास फाइनली मेन जो डायनामॉन्स मुझे पसंद है, मतलब मैलाकाइट, कोबाल्ट और क्या है क्रिम्सन और जेनिक्स आ चुका है। हाँ वो रैमेथिस भी तो है, उसे हम बाद में पकड़ लेंगे नेक्स्ट वाले या उसके बाद एपिसोड में, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। फाइनली स्टोरी बस ख़त्म हो गया है वैसे मेन गेम का स्टोरी, तो बस इतना ही दोस्तों इस बार। नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, रैमेथिस को पकड़ते हैं शायद। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय, टाटा।